रोशनी और मूवी द एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज अभी हम वाइजैग में ही हैं, हमारा सेकंड डे है वाइजैग में और ब्रेकफास्ट जो है हमने अपने होटल में ही कर लिया। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और अभी हम जा रहे हैं कैलाश गिरी, जो एक काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, फेमस। वहाँ पे जो है शिव जी एंड पार्वती की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। दो तरीके हैं वहाँ जाने के लिए, एक तो रोप वे है, तो शायद हम एक साइड हम रोप वे से जाएंगे और एक साइड हम ऊबर से जाएंगे। तो अभी बस हम यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे चलते हैं। चलो सी यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ नारियल, बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं एंड रोड साइड भी बहुत सारे नारियल पानी वाले खड़े होते हैं। तो आज हमने सोचा आज पियेंगे भी। कल होटल में वेलकम ड्रिंक उन्होंने दिया था नारियल पानी, तो आज हम थोड़ा रोड साइड पे खड़े होके पियेंगे। और वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी नहीं है, एग्जैक्टली 33 डिग्रीज है, बट ह्यूमिड है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा हवा कम होती है तो थोड़ा सा लगता है, बट इवनिंग में इट्स लाइक रियली ब्रीजी और इससे वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो शाम को 5 बजे के बाद तो दिस प्लेस इज़ लाइक अ जन्नत। हमारी उबर ने यहाँ हिल टॉप है, यहाँ पे उतारा है और ये एंट्रेंस है कैलाश गिरी की। ये ऐसा स्टैचू बना हुआ है बाहर, लेकिन अभी शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। पूरी जगह एक पिकनिक स्पॉट है और काफ़ी रश भी है, और आज सैटरडे में भी इसकी वजह से रश है। और जहाँ पे हमें उबर ने ड्रॉप किया था वहाँ से आई थिंक 4-5 मिनट का है ऊपर, जो आपको वॉक करना है, और स्ट्रेट आपको आगे जाके शिव जी पार्वती जी की मूर्ति दिख जाएगी। ये जो मूर्ति है ये पूरा एक पार्क है जिसके अंदर है, और मैंने विकिपीडिया पे चेक किया था 380 एकड़ पे ये पूरा स्प्रेड हुआ हुआ है पार्क, एंड काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी है। सो अभी चलते हैं मूर्ति की तरफ। और ये है मूर्ति शिव जी और पार्वती जी की, वाइट कलर में, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। अभी थोड़ा रेनोवेशन का भी काम चल रहा है यहाँ पे फुल फ्लेजडली। और ये देखिए, ये शायद यहाँ पे वाटरफॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ से टॉप व्यू है, यहाँ पे पार्क है और बैठने की जगह है। जैसे कि मैंने बताया था सैटरडे है तो इसमें काफ़ी रश भी है। एक मेरे को यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, देखिए हार्ट शेप में बोगनविलिया का क्रीपर बना रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये बहुत साल लगते हैं इसको बनाने में और काफ़ी मेहनत, मल्टी कलर्ड है तो काफ़ी सारे इसमें लगाए हुए होंगे इंडिविजुअल प्लांट्स। देखिए फ्रेश मोगरे के फ्लावर्स, इसकी ये माला बना रहे हैं। यहाँ पे आकर के आप एक सर्कुलर ट्रेन भी ले सकते हैं। सो एसी एडल्ट्स की टिकट है 150 और एसी चाइल्ड की 100 है। नॉन एसी एडल्ट्स इज आल्सो 100 और नॉन एसी चाइल्ड है 80 रुपीज़। फ्रीक्वेंसी जो है एवरी हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में है, और अभी तो हमारी ट्रेन कह रहे हैं वो 5 मिनट में आ जाएगी। ये ट्रैक है, ये एक एक्चुअल टॉय ट्रेन है जो अभी आएगी, और पूरा 20 मिनट्स का राइड है जो आप कर सकते हैं यहाँ पर। आई थिंक अराउंड 50-60 पीपल कैन सिट यहाँ पे आराम से। अभी हम वापस जा रहे हैं रोप वे से, यहाँ रोप वे है, आप इनफैक्ट ऊपर आ भी सकते हैं रोप वे से और जा भी सकते हैं। तो अभी मैं आपको चार्जेस बताऊंगी कितने लगते हैं। चार्जेस हैं टू एंड फ्रो राइड एडल्ट 150 रुपीज़ और चाइल्ड है 80 रुपीज़। अभी अर्पित लाइन में लग गया है टिकट लेने के लिए, आप पता नहीं वन वे टिकट है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए 11 to 1 o'clock एंड 2 to 7, 1 to 2 लंच ब्रेक है इनका। ये आप पानी में बोट्स देख सकते हैं, ये एक्चुअली फिशिंग बोट्स हैं, बोटिंग तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, फिशिंग बोट्स है लोकल्स जो है डेली फिशिंग करते हैं। दिस इज़ द व्यू, ये पूरा सिटी है और यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी है। तो वन वे टिकट जो है वो 80 रुपीज़ की है पर हेड, तो हमें 160 रुपीज़ का पड़ा।
अभी हम रोपवे से नीचे आ गए हैं, 3 मिनट लगे, और अभी हम वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि अभी 1 बज गए हैं। तो काफ़ी सारे स्पॉट्स जो है इस टाइम पे बंद होते हैं, तो आप गूगल मैप्स में टाइम चेक करिए कहीं पर जाने से पहले। तो हम अभी 1 घंटा होटल में रह के फिर अराउंड 3 o'clock निकलेंगे और हम जाएंगे म्यूजियम। अभी टाइम हो गया है 3:30 और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं श्री लक्ष्मी गणेश स्वीट्स, जो कि MVP कॉलोनी में है। वहाँ पे एक फेमस स्वीट डिश है बमबटलू, वो हम खाने जा रहे हैं। तो अभी बस उबर हमने बोली वो आने वाली है अनदर 2 मिनट्स, तो विल टेक इट देयर। ये हम पहुँच गए हैं श्री लक्ष्मी गणेश स्वीट्स पे और अभी हम बमबटलू ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है। देखिए मैं आपको स्वीट दिखाना चाहती थी, ये गुजिया टाइप्स है जो हमें होटल में भी मिली थी, और यहाँ पे मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। यहाँ पे ट्राई कर रहा है, कुछ तो ट्राई कर रहा है। गरम है, एकदम फ्रेश बने ना। फर्स्ट राउंड फेल। हम 2 पीस ऑलरेडी खा चुके हैं, अभी नेक्स्ट 2 पीसेज हैं। काफी गरम गरम है तो खाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। बट पूरनपोली टाइप सी है, मैंने महाराष्ट्र भवन में खाया था दिल्ली में, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट वैसा ही है। बस साइज़ आप देख सकते हो, उसका साइज जो है वो छोटा है पूरनपोली से, बट ओवरऑल बहुत प्राइस काफ़ी अच्छा है। लक्ष्मी गणपति स्वीट्स पे खा करके हम आगे आ गए हैं। 10 मिनट्स की दूरी पे है ये सबमरीन म्यूजियम BMRDA का, और ये सामने वाली साइड पे है एयरक्राफ्ट म्यूजियम। तो हम दोनों जाने वाले हैं, पहले हम सबमरीन म्यूजियम जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम एयरक्राफ्ट म्यूजियम जाएंगे। ये बीच के किनारे पे ही है ये म्यूजियम। अभी टिकट काउंटर पे जा गया हुआ है अर्पित, और अभी टिकट्स लेंगे हम 2 बंदों की, और फिर अंदर से दिखाते हैं आपको। क्यू तो है थोड़ी सी है, लेकिन अभी हमने टिकट्स ले लिए हैं, 140 की आई है 2 लोगों की, और अभी हमें सबमरीन के अंदर जाएंगे। गाइड होना चाहिए था समझाने के लिए। ये कंपार्टमेंट 2 है, इससे पहले कंपार्टमेंट 1 था। सारे वॉल्स लग रहे हैं, पाइप्स एंड ऑल फिटिंग्स। तो अब ये वॉश स्पेस, अंदर से आप देख सकते हो हाउ डज अ सबमरीन फील्स एंड लुक्स। ये है कैप्टन का रूम, सोने की जगह है, और ये देखिए उसका बेड। यहाँ पे अलमीरा, ये इनका डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग टेबल, मोर लाइक अ मेस। ये दिस इज द मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप सबमरीन में घुसते हैं ऊपर से। और यार स्टक हो गया है, यहाँ इतनी लो हाइट है और बस वेट कर रहे हैं कि मैं आगे निकलूँ और फिर वो आए। और अभी हम कंपार्टमेंट 3 में आ गए, जा रही हूँ। ये अभी हमारा सबमरीन म्यूजियम टूर खत्म हो गया, और ये बाहर से व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू। मोगली लव वाइज़ है, कैसे खुशी में खा रहा है मोगली, चप्पा 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 चप्पड़ करके। परफेक्ट वेदर फॉर मतलब, इतनी अच्छी हवा चल रही है, गरम गरम भी है। अभी
हम म्यूजियम से तो बाहर निकल गए और अब हम आ गए टेनेटी पार्क। यहाँ पे वैसे तो 6 o'clock की हुआ है, बट ठीक है अभी इतनी रात भी नहीं हुई है तो अभी अंदर जाके देखेंगे। यहाँ के प्लांट्स भी एकदम लश ग्रीन है, बिल्कुल मतलब देखो टेक्सचर कलर एकदम डार्क ग्रीन। और ये पीछे सारा बीच व्यू, यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे सीटिंग ऑप्शंस है कॉर्नर में तो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और खाने के भी ऑप्शंस हैं। आई थिंक पार्क में भी बैठ के आप खा सकते हो। अबैंडन शिप पड़ी है वो भी एक देखेंगे, देखते हैं कैसा व्यू है एंड एवरीथिंग। और ये वो अबैंडन शिप जो एक्चुअली बांग्लादेश की शिप है और यहाँ एक कॉर्नर पे खड़ी है। और ये आरके बीच है जिसको बोलते हैं रामकृष्णा बीच और ये इवनिंग का व्यू है अभी जो आप देख रहे हैं। यहाँ बीच पे बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है, यहाँ सारा देखो ये इतना सारा सामान ऐसे कूड़ा इकट्ठा होके पड़ा हुआ है और ऊपर ट्रस्ट मी इतनी सफाई है यहाँ पे और यहाँ नीचे जो है थोड़ी सफाई कम है। आई थिंक इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए इवनिंग होते ही यहाँ पे वापस से लाइटिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल मतलब जैसे दिवाली की लाइटिंग होती है ना, लोग अपना घर सजाते हैं बिल्कुल वैसी लाइटिंग है और काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे। अभी 28 और 29 को G20 समिट है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द चीफ मिनिस्टर वो दोनों आएंगे यहाँ पे और G20 के डेलीगेट्स भी आएंगे। सभी हम अपने होटल रूम वापस आ गए हैं, रात भी हो गई है तो बस डिनर के लिए अभी होटल में जाएंगे और आज का ब्लॉग फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल मेरे को वापस जाना है वाइजैग से दिल्ली इवनिंग की फ़्लाइट से एंड अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय।